चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गूगल क्लाउड का लेक्चर नंबर 25। तो जैसे कि आप सबको बता दूं, लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 24 में ये डिस्कस किया था कि गूगल क्लाउड वाले जो अपनी स्टोरेज की सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये जो सर्विसेज दे रहे हैं तो बैकएंड में इन्होंने क्या इम्प्लीमेंटेशन किया है, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, क्या प्रोटोकॉल को यूज़ किया है, ये डिस्कस किया था हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, ठीक है। और हम लोगों ने साथ में ये भी डिस्कशन किया कि ब्लॉक स्टोरेज का मीनिंग क्या होता है, फाइल स्टोरेज का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज का मीनिंग क्या होता है। तो ऐसे समझे कि लास्ट वाले वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव था, राइट, वो ये था कि ब्लॉक फाइल ऑब्जेक्ट की डिफरेंशिएट को क्लियर करना, और ये डिफरेंशिएट हमें क्लियर हो चुका है। अब हम लोग इस वीडियो में डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कि गूगल क्लाउड वाले जो स्टोरेज आपको दे रहे हैं, ब्लॉक फाइल और ऑब्जेक्ट, राइट, इनको इनकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, मिनिमम कैपेसिटी क्या है और स्पीड क्या है, ये डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं डायग्राम के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गूगल क्लाउड स्टोरेज, क्लियर। चल, तो गूगल क्लाउड वाला बोलता है कि मैं आपको स्टोरेज में ब्लॉक स्टोरेज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, गूगल क्लाउड वाला बोलता है कि मैं आपको फाइल स्टोरेज भी प्रोवाइड करता हूं। गूगल क्लाउड वाला बोलता है कि मैं आपको ऑब्जेक्ट स्टोरेज भी प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, अब ब्लॉक क्या होता है, फाइल क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब कुछ मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो अभी दोबारा से मुझे ब्लॉक, फाइल, ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिफरेंशिएट है ये बताने की नीड नहीं है। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग फंक्शनलिटी पे। ठीक है, चल, तो गूगल क्लाउड वाला बोलता है कि अगर आप स्टोरेज, मेरे स्टोरेज सर्विसेज में ब्लॉक स्टोरेज लेते हैं, तो ब्लॉक स्टोरेज के अंदर मैंने इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक पार्ट आपको मिलेगा परसिस्टेंट डिस्क का, एक आपको मिलेगा परसिस्टेंट डिस्क और एक आपको मिलेगा टेम्परेरी डिस्क। एक आपको मिलेगा टेम्परेरी डिस्क। अब परसिस्टेंट डिस्क क्या होता है और टेम्परेरी डिस्क क्या होता है, मोटा मोटी समझिए। परसिस्टेंट डिस्क का मतलब ये हुआ कि ऐसा डिस्क जिसके ऊपर आपने डेटा रख दिया और अगर आपने उस डिस्क को किसी वीएम के साथ अटैच कर दिया, ठीक है, अब अगर कल को आप उस वीएम को स्टॉप करके स्टार्ट करते हो तब भी उस डिस्क के अंदर डेटा रहेगा, परसिस्ट रहेगा। और अगर कल को आप उस वीएम को डिलीट भी कर देते हो तब भी उस डिस्क के अंदर डेटा रहेगा। ठीक है, तो डेटा हमेशा परसिस्ट रहेगा जब तक खुद डिलीट नहीं करते डेटा को, जब तक खुद डिस्क को डिलीट नहीं करते, जब तक खुद उस डिस्क के अंदर का डेटा डिलीट नहीं करते। तो इसको इन्होंने परसिस्टेंट डिस्क बोला है। प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका। टेम्परेरी डिस्क किसको बोल रहे हैं, टेम्परेरी डिस्क ये उसको बोल रहे हैं ऐसा डिस्क जो आपने क्रिएट किया और आपने उसको अपने वीएम के साथ अटैच कर लिया, ठीक है, और उस पे डेटा भी रख दिया। कल को आप उस वीएम को स्टॉप स्टार्ट करते हो तो ये लोग कहते हैं उस डिस्क का डेटा डिलीट हो जाएगा, या कल को वीएम डिलीट करते हो तो उसका डेटा डिलीट हो जाएगा, तो ये लोग उसको टेम्परेरी डिस्क बोल के चल रहे हैं। तो प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। समझ आ गई परसिस्टेंट डिस्क, टेम्परेरी डिस्क नहीं आया समझ तो फिर से समझाता हूँ। डायग्राम में देखो, इनकी जो ब्लॉक स्टोरेज है वो क्या है, नेटवर्क स्टोरेज है। जैसे ये नेटवर्क में रखा हुआ है ना, नेटवर्क स्टोरेज है। क्या इम्प्लीमेंटेशन किया मैंने आपको बताया, सैन इम्प्लीमेंटेशन किया, ठीक है। अब आप कल को क्या करते हो, यहाँ पर वीएम क्रिएट करते हो। अब इस वीएम के लिए आपने 10 GB का डिस्क लिया, तो 10 GB का डिस्क आपने लिया। अब आपने क्या किया, ये 10 GB का डिस्क लिया और इसके साथ आपने वीएम के साथ अटैच कर लिया, अटैच कर लिया और आपने अब डेटा रखा, तो डेटा कहाँ चला गया, डिस्क में चला गया, ठीक है।
अब कल को इस वीएम को आप स्टॉप करके स्टार्ट करते हो, तब भी उसी डिस्क के अंदर डेटा रहेगा, मतलब डेटा गायब नहीं होगा। कल को आप इस डिस्क को, इस वीएम को डिलीट करते हो, तब भी उसके अंदर डेटा रहेगा। तो इसलिए इसको इन्होंने परसिस्टेंट डिस्क बोला। लेकिन अगर यहीं पर ये वाली डिस्क ऐसी होती कि आपने अगर इस वीएम को स्टॉप करा और फिर स्टार्ट किया और इस डिस्क का डेटा गायब हो गया, तो फिर ये टेम्परेरी डिस्क कहला जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने इसे प्रेजेंट किया। अब समझ आ गई बात यहाँ पे, प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छे समझ लग जाएगी। अब ये लोग कहते हैं कि परसिस्टेंट डिस्क के अंदर आते हो तो मैंने आपको यहाँ पर परसिस्टेंट डिस्क भी नंबर ऑफ कैटेगराइज कर रखा है परसिस्टेंट डिस्क की। जैसे एक आपको परसिस्टेंट डिस्क मिलेगी जिसका नाम है स्टैंडर्ड पीडी, ठीक है। ऐसी दूसरी परसिस्टेंट डिस्क आपको यहाँ पर इन्होंने जो दिया है वो उसका नाम है बैलेंस पीडी, ऐसे एक परसिस्टेंट डिस्क जिसका नाम है एसएसडी पीडी। सबका मीनिंग समझाऊंगा अभी। ऐसी एक आपको मिलेगी एक्सट्रीम पीडी, ऐसी टेम्परेरी डिस्क के अंदर आओगे तो एक मिलेगा आपको जिसको बोलते हैं लोकल पीडी। ऐसी अगर आप फाइल स्टोरेज के अंदर आओगे तो ये लोग कहते हैं कि एनएफएस प्रोटोकॉल देंगे और एसएमबी प्रोटोकॉल देंगे। ऐसी अगर आप ऑब्जेक्ट स्टोरेज के अंदर आओगे तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज के अंदर आओगे तो ये लोग कहते हैं हम आपको क्लाउड स्टोरेज देंगे। मतलब ऑब्जेक्ट स्टोरेज का नाम इन्होंने क्या रखा है, क्लाउड स्टोरेज। जैसे AWS में ऑब्जेक्ट स्टोरेज का नाम क्या है, S3, तो यहाँ पर क्या है, क्लाउड स्टोरेज। अब कहते हैं क्लाउड स्टोरेज के अंदर आओगे तो हमने इसको कैटेगराइज किया है क्लासेस में। किस में? क्लासेस में। अभी सिर्फ क्लासेस का नाम देखो, क्लासेस में क्या डिफरेंशिएट है ये हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब ऑब्जेक्ट स्टोरेज को देखेंगे। तो क्लासेस बता देता हूँ अभी मोटा मोटी बस। स्टैंडर्ड नियर लाइन, स्टैंडर्ड नियर लाइन, कोर लाइन, और आर्काइव। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक स्टोरेज देखेंगे। ब्लॉक स्टोरेज के अंदर टेम्परेरी परसिस्टेंट डिस्क को देखेंगे, फिर हम लोग टेम्परेरी को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फाइल स्टोरेज देखेंगे, फिर हम लोग लास्ट में ऑब्जेक्ट स्टोरेज देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन करके। तो पहले आते हैं स्टैंडर्ड पीडी में। स्टैंडर्ड पीडी की क्या कॉन्फ़िगरेशन है? तो स्टैंडर्ड पीडी की कॉन्फ़िगरेशन ये है कि अगर आप स्टैंडर्ड पीडी डिस्क लेते हो तो गूगल क्लाउड वाले बोलते हैं कि स्टैंडर्ड पीडी की जो डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग में बैकएंड में जो मैंने डिस्क हार्ड डिस्क यूज की है वो हार्ड डिस्क है HDD हार्ड डिस्क, SSD हार्ड डिस्क में यूज किया HDD। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप गूगल क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे जाके ब्लॉक स्टोरेज क्रिएट करने जा रहे हैं, ब्लॉक स्टोरेज के अंदर परसिस्टेंट डिस्क के अंदर अगर आपने स्टैंडर्ड पीडी क्रिएट कर रहे हैं तो आप समझ जाएं कि बैकएंड में HDD हार्ड डिस्क आपको मिलेगी, ये ध्यान रखें। अब इनकी जो कैपेसिटी है देने की, तो ये लोग कहते हैं कि हम मिनिमम 10 GB देंगे, 10 GB से 10 GB से कम नहीं देंगे। मैक्सिमम हम आपको देंगे 65,535। समझ आ गई बात है? मिनिमम कितना देंगे?
सॉरी 65,536। तो मिनिमम 10 GB देंगे और मैक्सिमम देंगे 65,536 GB क्रिएट कर सकते हो। देखा जाए तो 65 TB करीब हो गया, 64 है ना, ऐसे ही। तो ये तो हो गई साइज, मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना। अब इनकी स्पीड क्या होती है? तो किसी भी हार्ड डिस्क की स्पीड डिपेंड करती है उसके IOPS के ऊपर। तो ये लोग कहते हैं रीड IOPS हम आपको जो देंगे वो इस तरीके से देंगे 0.75 पर GB मिलेगा। मतलब 1 GB के ऊपर इतने IOPS आपको मिलेंगे रीड IOPS। अभी समझूंगा, समझाऊंगा इसको डिटेल में भी, अभी सिर्फ नंबर समझो कितना मिल रहा है। ऐसे राइट IOPS ये लोग कह रहे हैं हम आपको देंगे राइट IOPS 1.5 पर GB स्पेस पे। तो ये तो रीड राइट IOPS हो गया। अब एक होता है थ्रूपुट। क्या होता है थ्रूपुट, अभी समझाऊंगा। ये लोग कहते हैं थ्रूपुट हम आपको जो देंगे वो हम आपको यहां पर दे रहे हैं 0.12 MB पर GB के ऊपर। क्या होता है मीनिंग समझाऊंगा अभी, अभी बस इतना नोट कर देगा। ऐसे राइट थ्रूपुट हम आपको देंगे 0.12 MB पर GB के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही इसका जो एक्सेस स्कोप होगा, इसका जो एक्सेस स्कोप होगा वो ये लोग कहते हैं जोनर। क्या होता है मीनिंग अभी बताऊंगा। और इसकी डेटा रिडंडेंसी जो होगी, इसकी जो डेटा डेंसी होगी वो लोग ये होगी जोनल एंड रीजनल। क्या मीनिंग है अभी समझाता हूं। अभी इसकी इतनी कॉन्फ़िगरेशन को नोट करिए बस। ठीक है, इतनी कॉन्फ़िगरेशन इसे नोट करिए, फिर समझा रहा हूं। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैकएंड में अपना सैन लगाया है ना, बैकएंड में ये सैन लगाया, बैकएंड में ये सैन लगाया, ठीक है। तो ये जो सैन लगाया है इसमें भी तो हार्ड ड्राइव रखी है ना, तो इसमें जो हार्ड ड्राइव रखी गई है वो HDD हार्ड ड्राइव रखी गई है, ठीक है। तो HDD का मतलब समझ में आ गया। अब देखो, अब ये कहते हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड PD सेलेक्ट करते हो और डिस्क क्रिएट करने आते हो तो मिनिमम 10 GB क्रिएट कर सकते हो, 10 से कम नहीं, ये मतलब है। मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, कह रहा है मैक्सिमम का मतलब हुआ मैक्सिमम आप 65,536 GB क्रिएट कर सकते हो एक डिस्क, उससे ज़्यादा चाहिए तो दूसरी क्रिएट कर लो, ठीक है। अब रीड IOPS का मतलब, रीड IOPS का मतलब होता है ये जो डिस्क है ठीक है ना, इस हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है IOPS के ऊपर। IOPS क्या होता है, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना इनपुट और आउटपुट उस डिस्क के ऊपर हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा डिस्क की परफॉर्मेंस। जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी स्पीड होगी इसकी। तो रीड IOPS 0.75 पर GB, मतलब आपने अगर 1 GB क्रिएट करा, अगर आपने 1 GB डिस्क, 1 GB तो देता नहीं है, 10 GB से ही देता है, तो ये बता रहा है कि 1 GB के ऊपर आपको रीड के ऑपरेशन 1 सेकेंड में 0.75 मिलेंगे। समझे, कैलकुलेटर खोलता हूं अभी समझ आता हूं। देखो कैलकुलेटर खोलो, जीरो पॉइंट सेवन फाइव 1 GB स्पेस के ऊपर मुझे इतने IOPS मिलेंगे। अगर मैं 500 GB स्टैंडर्ड PD क्रिएट करता हूं तो मल्टीप्लाई कर लो,
ये लो 375। तो अगर मैं 500 GB का स्टैंडर्ड पीडी क्रिएट किया हूं तो 1 सेकंड के ऊपर मैं रीड के ऑपरेशन 375 करूंगा, 375 बार कर लूंगा। मतलब अगर आपने 500 GB की स्टैंडर्ड पीडी आपने इनसे लिया तो उसके ऊपर रीड के ऑपरेशन 1 सेकंड में 375 बार हो जाएंगे। समझ में आ गई? और 1 GB के ऊपर कितना हो रहा है? 0.75। तो मल्टीप्लाई कर लो जितना लोगे। ऐसे राइट के ऑपरेशन कितने कर पाओगे? तो राइट के ऑपरेशन कैलकुलेट कर लो। तो राइट के ऑपरेशन, रीड के ऑपरेशन अलग, राइट के ऑपरेशन अलग। तो राइट के ऑपरेशन कह रहा है 1 GB पे इतना मिलेगा, 500 GB लेते हो तो 750 मिलेंगे। तो रीड के ऑपरेशन कितने 1 सेकंड में हो रहे हैं? 375। राइट के ऑपरेशन कितने हो रहे हैं 1 सेकंड में? 750। कैलकुलेट कर ले, 1 सेकंड में 375 और 750 रीड राइट ऑपरेशन आप कर रहे हैं। किसके ऊपर? स्टैंडर्ड पीडी। अगर 500 GB लेते हो, और ज्यादा लोगे तो और ज्यादा मिलेगा, बढ़ते जाए। ठीक है, समझ आ गई? चल अब थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट, अब थ्रूपुट जैसे ऐसे समझो, थ्रूपुट क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया 0.75 1 GB पे मिल रहा है, इसको 500 के साथ किया तो 375। क्या मीनिंग है? 500 GB का अगर आपने स्टैंडर्ड पीडी लिया तो उसके ऊपर 375 रीड ऑपरेशन हो रहा है 1 सेकंड में। ठीक है, 375 बार रीड ऑपरेशन 1 सेकंड में हो रहा है। अब जो 375 बार रीड ऑपरेशन हो रहे हैं तो एक का साइज क्या है? दैट इज द मीनिंग ऑफ थ्रूपुट। एक का साइज क्या है? जैसे समझे, ये डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर 1 सेकंड में 375 बार रीड ऑपरेशन हो रहे हैं अगर डिस्क 500 GB की है तो। यही मीनिंग है, 375 बार हो रहा है। तो अब अगर हम बात करें एक बार का डेटा का साइज क्या है, ये भी तो इससे भी तो पता लगेगा ना। तो एक बार का डेटा का साइज है 0.12 MB, इसको कहते हैं थ्रूपुट। तो अगर हम कैलकुलेट करें थ्रूपुट को तो कैसे करेंगे? 0.12 MB मल्टीप्लाई 500, तो 60। 0.12 MB मल्टीप्लाई 500 तो कितना आएगा? 60 MB, है ना? 60 MB तो कितना हो गया? 500 GB की हार्ड डिस्क है और अगर उसके ऊपर रीड ऑपरेशन 1 सेकंड में 375 बार होता है तो 60 MB का डेटा टोटल कैलकुलेट हो रहा है। टोटल 60 MB का डेटा एक बार में कितना कर रहा है? 0.12 MB। ये हो गया रीड ऑपरेशन। ऐसे राइट के ऑपरेशन निकाल लो, ऐसे राइट के निकाल लो, उतने ही निकल के आएंगे, दोनों सेम ही है। तो समझ आ गई रीड आईओपीएस, राइट आईओपीएस, रीड थ्रूपुट, राइट थ्रूपुट, समझ आ गया? अब आता है एक्सेस स्कोप जोनल। एक्सेस स्कोप जोनल का मतलब क्या है? एक्सेस स्कोप जोनल का मतलब देखो, अब मान लो आप जब डिस्क क्रिएट करने जाते हो तो आपसे पूछता है ना, डिस्क कौन से रीजन में, कौन से जोन में बना रहे हो। मान लो आपके पास जो रीजन है वो है US-Central 1 रीजन है, उसके अंदर एक जोन है US-Central 1A। तो आपने यूएस रीजन, US-Central 1 के अंदर, इस जोन के अंदर गए और इस जोन के अंदर आपने एक 10 GB की डिस्क क्रिएट कर ली। तो 10 GB की जो डिस्क आपने क्रिएट कर ली, इसको एक्सेस कैसे करोगे? किसी वीएम पे एक्सेस करोगे ना, वीएम पे। अब ये वीएम है, अब मान लो ये वाली जो वीएम है, ठीक है, ये वाली वीएम आपने किसी और रीजन में बनाया, तो अगर ये वाली वीएम आपने किसी और रीजन पे बनाया है
उस रीजन से इस डिस्क को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का जोन मैच होना चाहिए, है ना। अभी तो देखो रीजन ही अलग कर दिया, रीजन अलग है तो वैसे भी नहीं होगा, और अगर जोन अलग अलग है तो भी नहीं होगा। तो मान लो अगर आपने इस वीएम को यूएस सेंट्रल वन के अंदर आपने इस वीएम को बनाया, यूएस सेंट्रल वन बी डिफरेंट जोन में, मतलब डिस्क डिफरेंट जोन में है, वीएम डिफरेंट जोन में एक्सेस नहीं हो सकता, दोनों को सेम जोन में होना चाहिए। तो ये मतलब वही है एक्सेस स्कोप, जोनल, वीएम भी उसी जोन में हो, डिस्क भी उसी जोन में हो, तभी एक्सेस होगा। समझ आ गई जोनल का मतलब क्या हो। चलो अब आते हैं डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या। डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने ये डिस्क बनाई 10 GB की, डिस्क आपने इस रीजन के अंदर बनाई, इस रीजन के अंदर इस जोन में बनाई, है ना, इस जोन में बनाई। तो डेटा रिडंडेंसी दो मिलता है, जोनल और रीजनल। जोनल का मतलब क्या हुआ, जोनल का मतलब हुआ कि आपने जो डिस्क बनाई वो जिस जोन में गई उसका डेटा सिर्फ उसी जोन में रहेगा। अगर आपने डिस्क क्रिएट करते टाइम आपने बोला जोनल, तो वो डिस्क उसी जोन में रहेगी, उसका डेटा उसी जोन में रहेगा। लेकिन अगर आपने रीजनल बोला तो डिस्क तो आपकी बनेगी इस जोन में, लेकिन उसका डेटा किसी दूसरे जोन में भी रेप्लिकेट करेंगे, और आपसे पूछेगा कौन से जोन में रेप्लिकेट कराना है। तो ऐसे समझो कि इन्होंने एक दूसरा सैन स्टोरेज लगा रखा है डिफरेंट जोन में, इन्होंने एक दूसरा सैन स्टोरेज लगा रखा है डिफरेंट जोन में, और ये जोन है US-Central-1B। तो आपने अगर ये 10 GB की डिस्क क्रिएट करते टाइम आपने बोला रीजनल, तो पहले आपसे पूछेगा डिस्क कौन से जोन में क्रिएट कर रहे हैं, आपने बोला डिस्क इस जोन में क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका डेटा यहाँ पे भी रहेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा इसकी रेप्लीकेशन कहाँ रखनी है, आपने रेप्लीकेशन बताया दूसरे जोन, तो इसका डेटा यहाँ पे भी रहेगा। लेकिन कब, जब आप डिस्क को क्रिएट करते टाइम रीजनल ऑप्शन लोगे, तो डेटा की रिडंडेंसी दो जोन में आ गई। लेकिन डिस्क क्रिएट करते टाइम सिर्फ आप बोलोगे जोनल ऑप्शन लोगे, जैसे यहाँ पे जोनल है, तो फिर डिस्क आपकी वहीं पे जाएगी जो जोन पे आप क्रिएट कर रहे हो, उसका डेटा वहीं रहेगा जो जोन पे आप क्रिएट कर रहे हो, फिर दूसरे जोन पे नहीं जाएगा। तो समझ आ गई डेटा रिडंडेंसी का मतलब। हाँ, अगर रीजनल लोगे थोड़ा कॉस्ट ज्यादा लगेगा, जोनल लोगे कॉस्ट कम रहेगा, है ना। तो इसको यूज कैसे करते हैं, इसको यूज देखो इस तरीके से करते हैं कि मान लो मैंने वीएम बना रहा हूँ, इसका यूज कैसे समझा रहा हूँ, ये वीएम में बना रहा हूँ, इस वीएम में मुझे डिस्क चाहिए। अब मुझे ऐसा डिस्क चाहिए जिसमें मुझे डेटा की रिडंडेंसी से मतलब नहीं है, स्पीड मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इस वीएम का बूट डिस्क है जिसमें ओएस डालूंगा, तो स्पीड ही चाहिए, तो मैं इसको जोनल ले लूंगा। क्या करूंगा, जोनल ले लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कोई सेकेंडरी डिस्क लगा रहा हूँ, ऐसा डिस्क लगा रहा हूँ जिसके ऊपर मैं डेटा रख रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन का, और मुझे उसकी रिडंडेंसी भी चाहिए, तो उस केस में मैं रीजनल ले लूंगा। तो यूज केस अलग अलग है। सिर्फ अगर आप प्रोसेसिंग के लिए डिस्क क्रिएट कर रहे हैं, है ना, उसका डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जोनल रखिए, प्राइस भी कम लगेगा और जोनल में स्पीड भी थोड़ा ज्यादा रहती है, रीजनल में थोड़ा बढ़ जाता है थोड़ा स्पीड, इस वक्त ध्यान रख, ठीक है। उसके बाद एक बात और बता दूं, कंडीशन क्या है, जब आप वीएम क्रिएट करोगे तो वीएम क्रिएट करते टाइम उस वीएम में जो बूट डिस्क होती है ना, वो बूट डिस्क जोनल ही रहती है, रीजनल नहीं रहती, ये बात ध्यान रखना, जोनल ही रहती है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन का पार्ट है। आपकी जो बूट डिस्क होगी ना, उसको रीजनल कर ही नहीं सकते, वो जोनल ही रहेगा। हाँ, सेकेंडरी जो डिस्क क्रिएट करोगे उस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो जोनल या रीजनल, ये बात तो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा फंसाते हैं, याद रखोगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड पीडी की कॉन्फ़िगरेशन थी, इसको याद कर लीजिएगा इंटरव्यू में, याद रहे तो अच्छी बात है। अब बैलेंस पीडी में आ जाओ, बैलेंस पीडी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो बैलेंस पीडी की कॉन्फ़िगरेशन देखो, देखो बैलेंस पीडी की कॉन्फ़िगरेशन ये है कि अगर आप बैलेंस पीडी हार्ड ड्राइव लेते हो, तो बैकएंड में आपको एसएसडी हार्ड डिस्क लगा कर ही देंगे, ठीक है। और मिनिमम 10 GB, मैक्सिमम वही है 65,536, 36,
36 GB। इसकी जो रीड आईओपीएस है वो देख लो। अब रीड आईओपीएस, राइट आईओपीएस, रीड थ्रूपुट, राइट थ्रूपुट तो समझा ही दिया मैंने। सिक्स पर जीबी के ऊपर राइट आईओपीएस जो है वो भी 6 पर जीबी के ऊपर, और रीड थ्रूपुट जो है वो है 0.28 MB पर जीबी के ऊपर। ठीक है, ऐसे राइट थ्रूपुट जो है ये भी 0.28 MB पर जीबी के ऊपर, और इसका एक्सेस स्कोप जो है वो भी है जोनल। ठीक है, और डेटा रिडंडेंसी जो है वो भी आपको मिलेगी जोनल और रीजनल। अब समझो, अगर आप बैलेंस पीडी लेते हो तो समझ लो बैकेंड में एसएसडी हार्ड डिस्क से मतलब बेस्ट है, थोड़ा सा एचडीडी से कंपेयर करें। साइज वही है, मिनिमम 10 GB, मैक्सिमम इतने ले सकते हो। रीड आईओपीएस कह रहा है कि 6 मिलेंगे पर जीबी के ऊपर, तो कैलकुलेट करें जरा, 6 पर जीबी के ऊपर मिल रहे। 500 GB अगर लेता हूँ डिस्क तो कितने मिलेंगे, 3000 IOPS 500 GB के ऊपर। स्टैंडर्ड पीडी में अगर 500 GB के डिस्क क्रिएट करते हो तो रीड आईओपीएस कितने मिल रहे थे, 375। बैलेंस पीडी पे आते हो तो 500 GB क्रिएट करते हो तो रीड आईओपीएस मिल रहा है 3000। कितना ज्यादा मिल रहा है, तो ऑफिस की बात है एसएसडी हार्ड डिस्क से तो परफॉर्मेंस अच्छा ही रहेगा, और राइट आईओपीएस देखें तो भी इतने ही मिलेंगे। अगर रीड थ्रूपुट देखें तो थ्रूपुट भी ज्यादा है, यहां पर कैलकुलेट करें तो 140 MB जा रहा है, राइट थ्रूपुट भी इतनी, एक्सेस मोड स्कोप जोनल है, और बैकअप डेटा रिटेंडेंसी भी इसकी जोनल रीजनल दोनों। समझ आ गई, तो ऑफिस से बात है ये एसएसडी हार्ड डिस्क बेस्ट है, ये एचडीडी थोड़ा सा। तो बूट डिस्क कहा जाता है कि बैलेंस पीडी लीजिए, हालांकि जब आप वीएम क्रिएट करते हैं तो उस वीएम पे बाय डिफॉल्ट जो ये लोग जो बूट डिस्क देते हैं वो बैलेंस पीडी ही सेलेक्टेड रहता है। लेकिन कब, जब अगर आपने वीएम को गूगल क्लाउड के ऊपर अगर आपने वीएम ग्राफिकली क्रिएट कर रहे हो तो उस वीएम पे जो बूट डिस्क मिलेगी उसका टाइप बाय डिफॉल्ट बैलेंस पीडी सेलेक्टेड रहता है। लेकिन अगर आपने वीएम गूगल क्लाउड में एज अ कमांड लाइन क्रिएट कर रहे हो तो वहां पर उस वीएम को जो बूट डिस्क मिलेगी वो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पीडी सेलेक्टेड रहता है। तो ध्यान रखना इस बात को, इंटरव्यू में भी फंसाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टैंडर्ड पीडी और बैलेंस पीडी आपने सीखा, दोनों में बेस्ट कौन सी है, बैलेंस पीडी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आईओपीएस भी है कंपेयर टू स्टैंडर्ड पीडी से। अब अगर आपने वीएम को ग्राफिकली क्रिएट करते हो तो इस वीएम में बाय डिफॉल्ट जो बूट डिस्क मिलेगा उसका टाइप होता है बैलेंस पीडी। कब, जब वीएम को ग्राफिकली क्रिएट कर रहे हो। अगर वहीं पे वीएम कमांड लाइन क्रिएट कर रहे हो तो उस वीएम पे जो बूट डिस्क मिलेगा वो बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड पीडी। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आते हैं एसएसडी पीडी के बारे में। एसएसडी पीडी की कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो एसएसडी पीडी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बोलता है बैकएंड में एसएसडी हार्ड डिस्क, यहां पर भी बैकएंड में एसएसडी हार्ड डिस्क रहेगी। मिनिमम क्या रहेगा, मिनिमम 10 GB। ठीक है, यहां पर एक और मिनिमम लिख रहा हूं, यहां पे मिनिमम 200 GB। क्या मतलब है इसका, मतलब ये कि अगर आपने एसएसडी पीडी क्रिएट कर रहे हो और आपने एस एस डी पी डी क्रिएट करते टाइम जोनल बताया, क्या बताया, जोनल, तो मिनिमम 10 GB, और अगर आपने रीजनल बताया, क्या बताया, रीजनल, तो मिनिमम 200 GB। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज है, समझो एस एस डी पी डी क्रिएट करने जा रहे हो तो सीधे पूछेगा डिस्क जो क्रिएट कर रहे हो जोनल रखना है, जोनल रखोगे तो बोलेगा मिनिमम 10 GB ले लो, मैक्सिमम तो है ही है। तो
अगर वहीं पे आपने रीजनल बताया तो कहता है भाई रीजनल के केस में मिनिमम 10 GB नहीं, मिनिमम 200 GB लो। उनका डिजाइनिंग है प्राइस को लेके, रीजनल ले रहे हो भाई कम से कम 200 GB तो ले, है ना। अब मैक्सिमम तो दोनों में सेम है, तो यहां पर भी इंटरव्यूअर आपको फंसाएगा 65,536 GB। अब इनके रीड आप आईओपीएस की बात कर लो, तो रीड आईओपीएस यहां पर मिलते हैं 30 मिलेंगे पर जीबी के ऊपर। कितना है देखो, कंपेयर करो एसएसडी से, बैलेंस पीडी से बेस्ट है ये। और राइट आईओपीएस आपको मिलेंगे 30 पर जीबी, राइट भी अच्छे हैं। और रीड थ्रूपुट देखें, क्या रीड थ्रूपुट अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर भी आपको मिलेंगे 0.48 MB/GB के ऊपर, लो बेस्ट से बेस्ट। राइट अगर देखें तो भी आपको मिलेंगे 4.8 MB/GB। और अगर हम लोग बात करें एक्सेस स्कोप की, तो एक्सेस स्कोप आपको जोनल एंड रीजनल दोनों मिलेगा। और डेटा रिडंडेंसी अगर देखें तो, सॉरी एक्सेस स्कोप जोनल रीजनल थोड़ी है, यहाँ जोनल ही है एक्सेस स्कोप। डेटा रिडंडेंसी आपकी जोनल एंड रीजनल, ठीक है। तो ये हो गई भाई एसएसडी पीडी की कॉन्फ़िगरेशन। आप कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर आता है, मेरे को करने की जरूरत नहीं है। आप देखें इन दोनों से बेस्ट परफॉर्मेंस इसकी होगी, प्राइस भी ज्यादा होगा, है ना। चलो अब बात करते हैं एक्सट्रीम पीडी की। तो एक्सट्रीम पीडी जो डिस्क लाई है इन्होंने, ये इन्होंने बहुत हाई वर्कलोड के लिए लाया है, बहुत हाई स्पीड के लिए। यहाँ पर आईओपीएस जो देते हैं वो डिफरेंट मेथड से देते हैं, वर्कलोड के हिसाब से देते हैं। तो एक्सट्रीम पीडी इन्होंने बनाया है बहुत हाई स्पीड के लिए, जहां पर आपको एसएपी चलाना है, आहाना चलाना है, फास्ट गेमिंग एप्लीकेशन चलानी, वहां पे। तो एक्सट्रीम पीडी की प्राइस भी ज्यादा होती है। तो एक्सट्रीम पीडी जो आपको मिलती है बैकएंड में, वहां पर भी एसएसडी हार्ड डिस्क लगी रहती है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई है, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस हाई है, और साथ में कहते हैं कि मिनिमम आपको 500 GB लेनी पड़ेगी अगर आप एक्सट्रीम पीडी पे आते हैं, और मैक्सिमम आपको लेनी पड़ेगी, मैक्सिमम तो वही है 65,536, ठीक है। और यहां पर आईओपीएस की अगर बात करें तो यहां पर आईओपीएस इस तरीके से नहीं मिलता कि पर जीबी पे इतना देंगे, है ना, पर जीबी पे इतना रीड आईओपीएस देंगे, राइट आईओपीएस इतना देंगे, पर जीबी पे इतना थ्रूपुट देंगे, इतना रीड थ्रूपुट, ऐसे नहीं देते ये लोग। ये लोग कहते हैं एक्सट्रीम पीडी में जो आईओपीएस है, चाहे वो रीड आईओपीएस हो चाहे राइट आईओपीएस हो, ये आपको मिलेगा आपके वर्कलोड के हिसाब से। वर्कलोड के हिसाब से मतलब आपकी डिस्क में जितना वर्कलोड बढ़ेगा, जितना उसको नीड होगी रीड आईओपीएस की उतना दे देंगे, जितना राइट आईओपीएस की नीड होगी उतना दे देंगे, ऐसे देते हैं, है ना। तो यहां पर इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है कि पर जीबी पे कितना मिलेगा, इन्होंने बोला जितना लोगे उतना मिलेगा, वर्कलोड के हिसाब से बोला। क्या बोला? वर्कलोड के हिसाब से मिलेगा, वर्कलोड बढ़ेगा मिलेगा। हाँ, यहां पर इन्होंने एक कंडीशन लगाई है कि जो मिनिमम आईओपीएस है, जो आईओपीएस मिनिमम है, वो कम से कम आपको 10,000 लेनी पड़ेगी। और आईओपीएस आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, जब आप डिस्क क्रिएट करोगे तो वहां पर आईओपीएस अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 10,000 आईओपीएस आपको लेने पड़ेंगे। तो इन्होंने कहां से दिमाग लगाया, देखो दिमाग ये लगाया कि आपका वर्कलोड जितना बढ़ेगा उतना देंगे, लेकिन जब आप क्रिएट करने जाते हो तो शुरू में ही आपसे बोलते हैं कि कम से कम 10,000 आईओपीएस तो लेने पड़ेंगे, उस हिसाब से चार्ज शुरू में ही कर लेते हैं, देखा जाए कहीं कहीं, ठीक है। और मैक्सिमम आईओपीएस आपको यहां पर इन लोग देंगे, मैक्सिमम आईओपीएस 1,20,000,
ठीक है, तो क्या बोलते हैं, आईओपीएस आपको मिलेगा, आपके वर्कलोड के हिसाब से वर्कलोड बढ़ेगा, जितना चाहिए वर्कलोड में, जितना रीड चाहिए, जितना राइट चाहिए उतना देंगे हम, जितना रीड आईओपीएस चाहिए, जितना राइट आईओपीएस चाहिए उतना हम आपको देंगे। हाँ, लेकिन आप जब डिस्क क्रिएट करेंगे तो कम से कम मिनिमम आपको 10,000 आईओपीएस शुरू में लेना होगा, और मैक्सिमम आप इतना ले सकते हैं, उस हिसाब से प्राइस बनेगी। ठीक है, अब थ्रूपुट का क्या रखा है इन्होंने, थ्रूपुट में इन्होंने बोला, थ्रूपुट में इन्होंने ऐसे बोला, एक तो मिनिमम थ्रूपुट की लिमिट दी ही नहीं इन्होंने, बट ये कहते हैं कि मिनिमम थ्रूपुट जो हम आपको देंगे वो इस तरीके से देंगे, मिनिमम थ्रूपुट हम आपको देंगे पर आयो पे, क्या पर आयो पे 30 KV, ऐसे बोल रहे हैं। अब जोड़ लो, एक आयो मिलता है तो उसके ऊपर 30 KV थ्रूपुट देंगे, और मैक्सिमम थ्रूपुट की लिमिट इन्होंने लिख के दी है, मैक्सिमम थ्रूपुट जो इन्होंने लिख के दिया है वो है 2200 MB, इस तरीके से इन्होंने डिजाइन किया। तो एक्सट्रीम पीडी कुछ हटके है, एकदम हाई लेवल के लिए है, सबसे महंगी है, ठीक है, और सबसे हाई स्पीड है। तो जब भी आपको इंडस्ट्री में पड़े कि भाई बहुत फास्ट चाहिए गेमिंग वेमिंग के लिए, सैप आना जैसे सर्वर बनाने, डेटाबेस बनाने, ले लीजिए इसको, बहुत बढ़िया है। ठीक है, और इसके अगर हम बात करें एक्सिस स्कोप की, तो एक्सिस स्कोप जोनर, और डेटा रिडंडेंसी बात करें तो डेटा रिडंडेंसी यहां पर आपको मिलेगी, एक मिनट रुकना, एक्सेस स्कोप जोनर और डेटा डेंसिटी जो है जोनर, मतलब एक्सट्रीम पीडी आप रीजनल में नहीं क्रिएट कर सकते। क्या बोला था मैंने आपको, अगर आपकी डिस्क जोनल है तो मच मोर फास्ट, तो एक्सट्रीम पीडी क्रिएट करते टाइम आप रीजनल ले ही नहीं सकते, जोनल ही लेना पड़ेगा। तो एक्सट्रीम पीडी डिस्क को यूज करा जाता है सिर्फ तो सिर्फ वर्कलोड, मतलब आप एक ऐसी एप्लीकेशन सर्वर तैयार कर रहे हो, है ना, ऐसी एप्लीकेशन सर्वर तैयार कर रहे हो जिसका ओएस एक्सट्रीम पीडी में रखो, और एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, एप्लीकेशन का रन टाइम प्रोसेस एक्सट्रीम पीडी में रखो, और अगर आप चाहते हो कि ऐसी कोई सेकेंडरी डिस्क बनाऊं जिसपे उसका डेटा रखते जाऊं, तो एक्सट्रीम पीडी पे मत जाना फिर, क्योंकि रीजनल है नहीं, रीजनल के लिए फिर ये है एसएसडी पीडी, बैलेंस पीडी, स्टैंडर्ड पीडी, तो जैसा स्पीड चाहिए उस हिसाब से ले लेना। हालांकि अभी और प्रैक्टिकल कराऊंगा तो इसके और अच्छे से बता दूंगा, अभी इतना समझो बस, क्लियर। चलो अब बात करते हैं लोकल पीडी की, लोकल पीडी, लोकल पीडी मतलब लोकल हार्ड डिस्क, और लोकल हार्ड डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर भी बैकएंड में एसएसडी हार्ड डिस्क ही रहती है। बैकएंड में क्या रहेगा, बैकएंड में एसएसडी हार्ड डिस्क ही रहेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता कि आपको एसएसडी हार्ड डिस्क, लोकल एसएसडी हार्ड डिस्क ऐसे दें कि 10 GB ले लो, 20 GB, नहीं, यहां पर इन्होंने डिस्क बना रखी है, एक डिस्क, दो डिस्क, तीन डिस्क, चार डिस्क, ऐसे बना रखी है। तो अगर आप एक डिस्क लेते हो, है ना, तो अगर हम इनकी पर डिस्क की साइज की बात करें, पर डिस्क के साइज की बात करें तो पर डिस्क की साइज होती है 375 GB, ऐसे एक डिस्क लोगे तो 375 GB की मिलेगी, ऐसे इन लोगों ने 375 375 की दो डिस्क मिला दी और बोली 700 GB की एक ले लो, ऐसे 375 375 की पांच बना दी और साइज कैलकुलेट करके बोला ये इसको ले लो। जैसे समझाता हूं, देखो ये देखो, तो यहाँ आ जाओ, ये देखो, ये डॉक अभी दे दूंगा सबको, परेशान मत हो, स्टोरेज खत्म होगा तो पूरा दे दूंगा। कह रहा है कि 375 की एक लेते हो और 375 की दो लेते हो तो इतनी स्पेस दे दूंगा,
375 की 3 लोगे तो इतनी दे दूंगा, ऐसे देखो कह रहे 24 लोगे तो इतनी दे दूंगा, देख रहे हो। तो ये लोगों लोकल एसएसडी में क्या करते हैं, है ना, दो लिया तो उसको मर्ज करके दे रहे हैं आपको। तो एक एक हार्ड डिस्क के हिसाब से स्पीड देख लो, समझ जाओ। तो पर डिस्क साइज 375 GB, और उसके ऊपर अगर आपको रीड आईओपीएस मिलते हैं तो कितने मिलेंगे, रीड आईओपीएस अगर आपको मिलते हैं तो ये मिलेंगे 1,70,000। लो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, मौज करो। लेकिन कंडीशन बताता हूँ अभी, राइट आईओपीएस कितना है, 90,000। लो भाई मौज करो, इससे बेस्ट तो नहीं है कोई। रीड थ्रूपुट ये लो 660 MB, कहाँ मिलेगा बताओ भाई, एक डिस्क के ऊपर। अगर दो ले लूँ तो, और ना पूरे 24 ले लूँ तो, मैक्सिमम 24 मिलते हैं। कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा बताओ जरा, 350 MB। और डेटा रिडंडेंसी कुछ नहीं, एक्सेस मोड जोनर। एक्सेस स्कोप ले लूं, जोनल डेटा रिडंडेंसी एनए नॉट एप्लीकेबल, डेटा रिडंडेंसी इसमें नहीं मिलती, तो इसको बनाई क्यों गई है बताता हूँ। टेम्परेरी डिस्क है ये, अब देखो जरा, ये तो कुछ नहीं है। अब देखो अगर 24 लेता हूँ तो 9,000 स्पेस मिलते हैं, और रीड आईओपीएस देखो 2 लाख कितने मिल रहे, देखो 24, 6,80,000, देख रहे हो कितने हाई, देख रहे हो राइट रीड थ्रूपुट, देख रहे हो कितने मिल रहे। बट ये टेम्परेरी है, क्या है, टेम्परेरी है, इसीलिए डेटा रिडंडेंसी नहीं है। अब इतने आईओपीएस कैसे मिल जाते हैं इसमें, समझते हैं थोड़ा डिटेल में, इतने आईओपीएस इसमें मिल कैसे रहे, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है, कितने आईओपीएस दिया जा रहा है आपको टेम्परेरी डिस्क के ऊपर। तो देखो क्या होता है, इनके जो होस्ट होते हैं, इनके जो सर्वर्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं ना, ये इन्होंने, ये इनके सर्वर है, होस्ट है, ठीक है ना। इस होस्ट की कैपेसिटी होगी, है ना, इस होस्ट के ऊपर हार्ड ड्राइव लगी हुई है, ये हार्ड ड्राइव है, इस होस्ट के ऊपर हार्ड ड्राइव लगी हुई है 2 TB की मान लो, इस होस्ट की कॉन्फ़िगरेशन है 32 GB रैम, इस होस्ट की सीपीयू है 16 कोर सीपीयू, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर हाइपरवाइजर डाला, हाइपरवाइजर डाला, हाइपरवाइजर डालने के बाद फिर यहाँ पर आप लोग को वीएम बनाने को देते हैं ना, बॉक्सेस होते हैं, ये एक वीएम का बॉक्स, दो वीएम का बॉक्स, तीन वीएम का बॉक्स, चार वीएम का बॉक्स, वीएम की कॉन्फ़िगरेशन होती है ना। चल अब क्या होता है कि जब आप वीएम बनाते हो, तो जब आप वीएम बनाते हो, इस वीएम पे जो डिस्क मिलती हैं, स्टैंडर्ड पीडी हो, बैलेंस पीडी हो, एसएसडी पीडी हो, एक्सट्रीम पीडी हो, ये सारी डिस्क आती है नेटवर्क से कट के। कहाँ से आती है, नेटवर्क से कट के, नेटवर्क से कट के आती है, वीएम पे लग जाती है। लेकिन जो लोकल पीडी होती है, वो जो डिस्क होती है ना, वो नेटवर्क से कट के नहीं आती, उसी होस्ट के अंदर जो 2 TB का स्टोरेज था उसी में से मिलता है, लोकल डब्बे के अंदर होती है, जैसे आपके लैपटॉप के अंदर है, आपके कंप्यूटर के अंदर है, उसी से मिलती है लोकल से। तो लोकल से मिलती है तो देखा जाए लेटेंसी का कोई फर्क ही नहीं, नेटवर्क का फर्क ही नहीं, इसलिए पूरी की पूरी स्पीड मिल जाती है, इसलिए ज्यादा फास्ट है। लेकिन इसको टेम्परेरी रखा गया, टेम्परेरी क्यों रखा गया, क्या मीनिंग है टेम्परेरी। अब आप बोलो सर परमानेंट रख दो, बहुत बढ़िया बात है, परमानेंट रख दो बहुत बढ़िया बात है, ज्यादा स्पीड भी मिलेगी और अच्छी भी। तो इसको इन्होंने परमानेंट क्यों नहीं रखा, मैं बताता हूँ, परमानेंट इसलिए नहीं रखा क्योंकि क्लाउड प्रोवाइडर क्या बोलते हैं कि हम आपको ना ऑन डिमांड देते हैं, ऑन डिमांड सर्विस देते हैं, मतलब जितना घंटा आप यूज़ करोगे उतने घंटे का पेमेंट देना है आपको, जितना नहीं करोगे नहीं देना। तो होता क्या है कि मान लो आपने ये वीएम क्रिएट की है ना, कल को मान लो आप इस वीएम को स्टॉप करते हो, आपकी वीएम इस डब्बे में चल रही है, यहाँ पे आपने इस वीएम को स्टॉप किया, जब वीएम स्टॉप करते हो तो इसके साथ जो डिस्क मिली थी, जो बूट डिस्क, वो डिटैच होके यहाँ पे आ जाती है,
या कोई सेकेंडरी डिस्क लगा रखी है इनमें से कोई, वो भी डिटैच होकर यहाँ आ जाती है और वीएम यहाँ से हट जाती है, ये स्पेस खाली हो जाता है। ये खाली स्पेस क्या करते हैं लोग, कोई दूसरे ने वीएम बनाई उसकी वीएम आ जाती है। तो इसको टेम्परेरी इन्होंने इसलिए रखा कि कल को जब आप वीएम को स्टॉप करते हो तो वीएम यहाँ से हट जाती है। अब आप कल दोबारा वीएम जब स्टार्ट करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपकी वीएम इसी बॉक्स में आए, हो सकता है इसी होस्ट के अंदर दूसरे बॉक्स में आए, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस होस्ट के अंदर जगह नहीं है तो दूसरे होस्ट के अंदर जाके लॉन्च हो जाए और डिस्क अटैच हो जाए। डिस्क तो है ही है, डिस्क वहां अटैच हो जाए, है ना। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि जब आप वीएम को स्टॉप करते हो तो आपकी डिस्क, ये जो डिस्क लोकल वाले दे रहे हैं, इसको हटा के साथ में इस डिस्क को फ्लश कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं। अब आप बोलो परमानेंट रखो तो अच्छी बात है, तो परमानेंट कैसे रखेंगे बताओ ना। मान लो आपने वीएम को स्टार्ट किया, आपकी वीएम दूसरे होस्ट में चली गई, तो इस होस्ट की लोकल हार्ड ड्राइव को दूसरे होस्ट में कैसे अटैच करेंगे। नेटवर्क तो है नहीं कि नेटवर्क पाथ है, नेटवर्क लिंक है, दे दें लोकल, ये लोकल पाथ कैसे देंगे, इसलिए नहीं देते। इसलिए इसको इन्होंने बोला टेम्परेरी ले लो, टेम्परेरी है तो बेस्ट है, टेम्परेरी है ले लो। इसका यूज केस समझ लो, टेम्परेरी का यूज केस देखो ये है कि हाँ इसके ऊपर आप अपनी कोई वर्कलोड ऑपरेट एप्लीकेशन चला लो रन टाइम, है ना। जैसे आपने वीएम बनाया, हालांकि इसके ऊपर ओएस तो आप डाल ही नहीं सकते, हाँ ऐसा कर सकते हो कि ओएस के लिए आपने यहाँ से नेटवर्क स्टोरेज ले लिया, आप ऐसी कोई रन टाइम एप्लीकेशन चला रहे हो जिसको आपने इसके ऊपर डाल लिया लोकल पीडी के ऊपर, क्योंकि जब तक वीएम को स्टॉप नहीं करोगे तब तक तो डेटा रहेगा ही रहेगा, उसके ऊपर चला लिया तो एटलीस्ट स्पीड मिलेगी, है ना। कुछ कैसे वगैरह रखने के लिए, कैसे को फास्ट रिस्पॉन्स कस्टमर को देना, तो कैसे डेटा रखने के लिए रख लो, जब तक वीएम ऑन है तब तक तो बढ़िया रहेगा, तो कैसे डेटा यहाँ पे रख लो, या रन टाइम डेटा यहाँ रख लो, या फिर रन टाइम डेटा जो जनरेट हो उसको लोकल पीडी पे रख लो और लोकल पीडी पे वो प्रोसेस करे, उसके बाद लोकल पीडी से उठा के नेटवर्क स्टोरेज पे रख लो स्टैंडर्ड बैलेंस एसएसडी एक्सट्रीम के अंदर। समझ में आई, नहीं समझ में आई तो बता देता हूँ। देखो फिर से, जैसे ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है ना, आपने वीएम लिया, वीएम के ऊपर जो ओएस डालना है उसके लिए आपने नेटवर्क स्टोरेज ले लिया, नेटवर्क स्टोरेज कौन सा, स्टैंडर्ड बैलेंस एसएसडी ले लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, कुछ एप्लीकेशन चला रहे हो, एप्लीकेशन रन करना चाहते हो, उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपने क्या किया, लोकल पीडी ले लिया, लोकल पीडी पे एप्लीकेशन चल रही है आपकी, बढ़िया स्पीड दे रही है। अब इस पे अब डर ये बना रहता है कि अगर वीएम स्टॉप हुई तो यहाँ का डेटा चला जाएगा, तो आप क्या करो लोकल पीडी पे बैठ के प्रोसेसिंग कर लो और जो भी डेटा जनरेट हो उसको रन टाइम माइग्रेट कर लो, कहाँ कर लो, रन टाइम माइग्रेट करके अपने नेटवर्क स्टोरेज पर रख लो। नेटवर्क स्टोरेज क्या, या तो तीसरी नेटवर्क डिस्क बना लो उस पर रखते जाओ, या फाइल स्टोरेज पर भेज दो, या क्लाउड स्टोरेज पर भेज दो, है ना, कैसे डेटा रखने के। अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो एक्सट्रीम पीडी है ना, एक्सट्रीम पीडी जो डिस्क है ना, वो हर टाइप के वीएम पे सपोर्ट भी नहीं करती, बड़े बड़े टाइप के वीएम पे लगती है, ये भी बात ध्यान रखना, इसको डिजाइन ही ऐसा किया गया। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको समझ में आ गया, है ना। तो स्टैंडर्ड की कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंस की कॉन्फ़िगरेशन, एसएसडी पीडी की कॉन्फ़िगरेशन, एक्सट्रीम पीडी की कॉन्फ़िगरेशन, लोकल पीडी की कॉन्फ़िगरेशन, सारा कुछ आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल, स्टैंडर्ड पीडी कैसे क्रिएट करते हैं, बैलेंस पीडी कैसे, एसएसडी पीडी कैसे, एक्सट्रीम पीडी कैसे, लोकल पीडी कैसे, फिर सब कुछ लैब कर लेंगे, फिर देखेंगे हम लोग टेम्परेरी फाइल स्टोरेज को, फिर ऑब्जेक्ट स्टोरेज को, ऐसे फिर स्टोरेज फिनिश। तो स्टोरेज के ऊपर कम से कम 10 से 15 वीडियो बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरेज, ठीक है। फिर इनकी बैकअप भी देखेंगे, माइग्रेशन भी देखेंगे, ऐसे ही गूगल क्लाउड वाले क्या करते हैं, अपनी जो ब्लॉक स्टोरेज की सर्विस है ना, ये एक स्टोरेज को मल्टीपल वीएम पे भी अटैच करने की फंक्शनलिटी देते हैं, राइट, मल्टी अटैच, ये कैसे करते हैं, नया कॉन्सेप्ट है, ये भी देखेंगे, तो प्रैक्टिकल में देखेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।